अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी का उनवान है मियां बीवी। मियां बीवी की अजीब कहानी। तुम और मैं कभी बीवी और कभी शोहर थे, फिर तुम माँ बन गई और मैं बाप बनकर रह गया। तुमने घर का निज़ाम संभाला और मैंने ज़रिया मुआश का, और फिर तुम घर संभालने वाली माँ बन गई और मैं कमाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों को चोट लगती तो तुमने गले लगाया और मैंने समझाया। तुम मोहब्बत करने वाली माँ बन गई और मैं समझाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की तो तुम इनकी हमायत करके अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं ना समझने वाला बाप बनकर रह गया। बाबा नाराज़ होंगे ये कहकर तुम अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बनकर रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राजो नियाज करते हुए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के जहनों में घर करती चली गई और मैं फकत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नज़र आने लगा और मैं बच्चों की नज़र में बेरहम बाप बनकर रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलता एक बाप बनकर रह गया। तुम एक रहम दिल और शफीक माँ बनती गई और मैं तुम सब लोगों की ज़िंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ एक बाप बनकर रह गया। ये एक इंतहाई तलख माशरती हकीकत है। बहुत कम ऐसी माएँ मिलेंगी जो अपने बच्चों के सामने इनके बाप का मुकाम बुलंद करके रखती हैं, जो अपने बच्चों को बताती हैं कि कैसे इनका बाप अपने हिस्से का नवाला अपने बच्चों को खिलाकर खुद भूखा रह जाता है, कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के रिज्क के लिए मारा मारा फिरता है, अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानियां देता है और किन किन तकालीफ का सामना करता है, किस तरह इनको इनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने आप को बर्बाद करता है, खुद को ख़त्म कर लेता है, तब कहीं जाके औलाद किसी काबिल बनती है। मगर औलाद को ये बताने और समझाने वाली माएँ इनको ये बता नहीं पाती, इसीलिए औलाद इस वक्त तक इस बात को समझ नहीं पाती जब तक वो खुद बाप न बन जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी इन तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि अच्छी माएँ तो आप हैं लेकिन अच्छी बीवियाँ भी बने। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।